Yes, sir, ready. Okay. So give the heading limits. Limits. आयुष बोलो। कुछ नहीं सर, वो हाथ नीचे नहीं हो रहा सर, देखता हूँ। अच्छा, हाथ नीचे नहीं हो रहा है, जूम वाले पे क्या? ओके, कोई बात नहीं। हाँ सर, हो गया सर नीचे। सो लिमिट्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है आपको पता है सर? रुका हूँ। हाँ, इसके लिए सर लिमिट। ऐसे बोलते ना, अरे बात बात में लिमिट में रहा करो, सुना है आप लोगों ने? हाँ सर, है ना। या मतलब किसी चीज का मतलब बाउंड्री, मतलब उसको लिमिट में रखना, मतलब हद पार कर देना, जैसे आई थिंक प्रयाग ने बोला है ना, प्रयाग? हाँ सर। हाँ, तो लिमिट। अब मैथ्स में लिमिट कहाँ से आ गया भाई, है ना? तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, लिमिट्स, हम लिमिट्स ऑफ व्हाट, लिमिट्स हम निकालते किसका है, और व्हाई टू इवेल्युएट लिमिट्स, हम लिमिट्स निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है। एकदम स्पून फीडिंग में कराने वाला है इसमें, ऐसा बस इस तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझ में एक बेसिक सा आइडिया मिले। ये 11th में लगभग एक महीना चैप्टर्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है, और 1 month, और इसमें एक सप्ताह मतलब 2 दिन का लेक्चर हमारा होता है, तो आप आवर्स का होता है ना? राइट राइट। सो आप जोड़ सकते हैं, 1 in and around ऑलमोस्ट 1 month जाता है इस चैप्टर्स को फिनिश करने में। तो आपको जस्ट हम एक आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, और समझ में आएगा, इतना जरूर समझ में आएगा जितना मैं बता रहा हूँ। सो व्हाट स्टार्टिंग वहां भी ऐसे ही होता है, लिमिट्स ऑफ व्हाट, व्हाई टू इवेल्युएट लिमिट्स, और हाउ टू इवेल्युएट लिमिट्स, हाउ टू इवेल्युएट लिमिट्स। ओके, अब लिमिट्स हम लोग निकालते किसका है, तो लिमिट्स हम लोग फंक्शन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? फंक्शन। आपने देखा है पॉलिनोमियल्स में भी, तो हम लोग पी ऑफ एक्स लिखते हैं समथिंग एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक तो फंक्शन होता है। हम लोग जो भी लिमिट्स निकालते हैं वो फंक्शंस का निकालते हैं। और व्हाई टू इवेल्युएट लिमिट्स, तो 2 रीजन में लिख रहा हूं, टू अवॉइड द इनडिटरमिनेट फॉर्म, टू अवॉइड द indeterminate form, or second, to find the to find the approximate value of the, मैं सारे मीनिंग इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, और हाउ टू इवेल्युएट लिमिट्स, पूरी चैप्टर ही इसी के ऊपर कुर्बान है, है ना। हम लोग लिमिट्स निकालते कैसे हैं, तो पूरा तो आप नहीं, आप मतलब आप सीख पाओगे यहाँ पे, बिकॉज हम लिमिटेड यहाँ पे बता रहे हैं। लिमिट्स जो है लिमिट तरीके से मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, और एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया कि हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। अब हाउ टू इवेल्युएट लिमिट्स में बहुत सारा रेशनलाइजेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है ना, बहुत सारे रूल होते हैं इसमें, लॉपिटल रूल होता है जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, तो प्रैक्टिस के ऊपर पता चलेगा हाउ टू इवेल्युएट लिमिट्स, राइट। अब फंक्शंस का लिमिट्स निकालते हैं, इसके पहले जैसे बता दो कि जो लिमिट्स जो चैप्टर है, कैलकुलस की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द कैलकुलस, अंडरस्टूड? लिखना मत, ठीक है, कैलकुलस की शुरुआत जो होती है यहीं से होती है। हेलो सर। हाँ जी बताइए सर, वो ये क्या लिखा सर, टू अवॉइड द इनडिटरमिनेट फॉर्म, मैं बताता हूँ इंडिटरमिनेट फॉर्म। आप लोग 8th में जब थे फाउंडेशन में, तो पहला लेक्चर में मैंने बताया था कि जैसे 0/0 भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है,
सर जीरो बाय कोई भी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में कोई भी नंबर कोई भी नहीं वो उसका फॉर्म होता है ना मैं बताता हूँ इनडिटरमिनेट फॉर्म किस तरीके के फॉर्म को हम लोग बोलेंगे तो जो लिमिट्स होता है कैलकुलस की शुरुआत यहीं से होती है और आपको पता है कैलकुलस हु डिस्कवर्ड कैलकुलस न्यूटन राइट न्यूटन और सर उसका नाम कैलकुलस क्यों है सर हाँ जी बता रहा बिल्कुल कैलकुलस की शुरुआत ऐसे हुई कि कैलकुलस न्यूटन साहब ने खोज किया और ऐसा माना जाता है कि कैलकुलस न्यूटन साहब एक रिसर्च कर रहे थे कोई पेपर्स के लिए तो उनको कोई तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है बट उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो उसका नाम नहीं दे पा रहे थे वो सोच रहे थे अरे इसका नाम क्या दूं है ना जो होता है ना टॉपिक का नाम तो नाम क्या दूं तो बहुत सोच रहे थे तो एक दिन क्या हुआ वो बीच पे मॉर्निंग वॉक को जा रहे थे ठीक है तो ऐसा बोला जाता है कि उनके पैर में आपको पता है ना बीच पे छोटे छोटे पत्थर होते हैं एकदम शार्प पैर में भी चुभते हैं है ना तो वो तो न्यूटन सर के पैर में वो चुभ गया है ना और उनको क्या रियलाइज हुआ कि काफी मतलब पेन हुआ उनको और वहां पे फिर समुद्र की तरफ उन्होंने देखने लगे थोड़ी देर वो सोचे अरे और एक होता है ना कि फिर देन ही स्टार्टेड थिंकिंग अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं मतलब एक होता है ना कि बहुत ज्यादा अगर मान लो कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको पता रहता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ राइट तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से तो थोड़ा सा तो ईगो आ ही जाता है कि अरे मैं इंटेलिजेंट हूँ या ये क्वेश्चन मेरे से हो सकता है तो न्यूटन साहब को भी ऐसा था कि अरे भाई हम तो साइंटिस्ट हैं राइट मुझे तो सब लोग जानता है राइट तो जब उनके पैर में जैसे कंकर और छोटे छोटे पत्थर जैसे उनके पैर में जब चुभा तो काफी दर्द हुआ और वो समुद्र की तरफ उनके नजरे गए और when he saw towards the sea then he realized that wow मतलब the nature has given a lot to learn right we can learn a lot from the nature कि हम nature से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जब समुद्र के बारे में उन्हें सोचा गया उसमें कितने you know कितने कुछ you know क्या बोलते हैं उसमें gems होते हैं कितने महंगे पत्थर होते हैं तो उन्होंने जब देखा कि हम तो कुछ नहीं है राइट समुद्र इतना बड़ा समुद्र है वहां से छोटे कंकड़ हमको थोड़ा सा एक छोटे पत्थर ने हमको परेशान कर दिया और वहां से उनके मन में ऐसा बोला जाता है कि देन ही बिकेम हम्बल ऑफकोर्स ही वॉज हम्बल ही वॉज अ यू नो अ फर्म बिलीवर इन गॉड राइट न्यूटन साहब ठीक है लेकिन वो और ज्यादा हम्बल हो गए वहां से और ही बिकेम हम्बल ओवर देयर और उसके बाद से हम्बल होकर वहां पे उन्होंने टॉपिक जिस टॉपिक वो रिसर्च कर रहे थे उसका नाम दिया कैलकुलस और कैलकुलस का मतलब होता है पेबल्स पेबल्स पता है वही जो छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं yes. राइट और इसलिए बताया जाता है कि जब बच्चे इवन कैलकुलस जब हम शुरुआत करते हैं तो बच्चे बड़े हम्बल होते हैं इलेवेंथ की बात में बता रहा हूँ आप लोग तो क्या नाइन्थ में क्योंकि उसमें हालांकि वैसा कुछ होता नहीं है मतलब अगर समझ में आए तो बहुत ईजी होता है तो वहां से कैलकुलस की नाम आए ओके सो दिस वाज अ स्टोरी मतलब क्या अभी सर हम लोग हम्बल होंगे सर नहीं मतलब थोड़ा सा बच्चे डर जाते हैं ना उसमें कौन कैलकुलस है मतलब ऐसे देखा जाता है बट बहुत सारे जिनको कमांड है जिनको अच्छा किया है कोई दिक्कत नहीं होता है बस प्रैक्टिस करना है आप लोग जैसे देख रहे मैं बताऊंगा मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा मैं यहीं पे बता रहा हूँ कि वही चीज बताऊंगा कि जो चीज आप समझ सकते हो इसमें बहुत सारा चीज होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो सारा चीज मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा भले ही बता के रख रहा हूँ क्योंकि बस लिमिट्स का मैं सिग्निफिकेंस बताऊंगा वो क्यों निकालते हैं वो बताऊंगा ठीक है और उस पर जितना आपको समझ में आ सकता है हो सकता है 8-10 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा इट इज ओके फॉर एवरीवन यस सर ओके सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट द आइडिया दैट हाउ द कैलकुलस द नेम कैलकुलस केम राइट एंड Calculus basically starts from the limits. Limits is the basics foundation of the calculus. Until then, unless you know the limits, you will not be able to understand the calculus. This is the ABC of limits. ABC of limits. ये limit sorry ABC of calculus. Calculus की ये जो है ये limits है. मतलब ABC ABC जैसे अगर English बोलना सीखना होता है तो हम ABCD सीखते हैं ना पहले अल्फाबेट सीखते हैं राइट
यस सर। वैसे ही कैलकुलस की शुरुआत लिमिट से ही होती है और उसके पहले फंक्शंस भी उतना ही अच्छा चाहिए, बट एक चैप्टर से। हाँ नहीं बता दो आप क्या बोल रहे हो सर, वो वैल्यू ऑफ एक्स है या के है सर? एक्स एक्स एक्स। और सर यहाँ पे एक्स क्या है सर? एक्स एक्स के वेरिएबल है सर, मतलब वो तो सर सर उसको लिमिट सी क्यों चाहिए सर? अरे मैं बता रहा हूँ ना भाई, अब लोग कभी कभी दिमाग कुछ ज्यादा ही लगाने, मैंने बोला कि पहले मुझे समझाने दो, पूरी अच्छी तरीके से सुनो। अभी मैंने कहाँ बताया, मैं तो अभी बस न्यूटन साहब के बारे में बता रहा हूँ, फिर बताया कि फंक्शंस का लिमिट्स निकालते हैं, फिर बताया कि क्यों निकालते। अभी इसके बारे में तो हमने कुछ डिस्कस किया, बस ये लिखवाया है, इसके बारे में मैं डिटेल्स नहीं बताने वाला, ठीक है नील? टेंशन मत लो। सर आवाज आ रही है सर, मतलब बाद में लिखा तो चलेगा ना सर? पहले समझ। हाँ अभी लिखो ही मत, अभी डोंट राइट एनीथिंग सर। आपने कैलकुलस के वो नीचे सर्कल में क्या लिखा है? वो कैलकुलस का मीनिंग लिखा है, पेबल, पेबल होता है ना छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के होते हैं। तो फिलहाल इसके तीनों पॉइंट जस्ट लिख लिया पहले, जस्ट वन मिनट में वाटर बॉटल लेकर आया, ठीक है? ठीक है जस्ट वन मिनट। ओके डन हो गया क्या? यस सर। ओके अब ओके फाइन। अब जो है तो लिमिट्स जो है बेसिक्स है, और लिमिट्स जिस मैं थोड़ा सा लूंगा, जो बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, ताकि मैं एक फील आ जाए सर थोड़ा सा, मतलब कितना सर? देखिए जहां तक आप समझ पाएंगे, ठीक है? क्योंकि अलग अलग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट्स होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का होता है, राइट, लॉगरिथमिक फंक्शंस का होता है, ये सारी चीजें आपको सब नया नया सुनाई दे रहा होगा। हम क्या बताएंगे बस? और सर लॉगरिथम मतलब क्या रहता है, एल्गोरिथम वगैरह? लॉग का मीनिंग अभी आपने पढ़ा नहीं है सर, केवल यूज ही किया सर, पता नहीं है सर क्या होता है। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप सर? केवल यूज ही किया सर, पता नहीं है सर मुझे क्या होता है। हाँ तो वो लॉगरिथमिक फंक्शंस वो सब अभी मैं बताऊंगा तो पूरा लेक्चर्स, एक लेक्चर भी कम पड़ेगा। लॉग एक अलग चैप्टर्स होता है ना, फंक्शंस में जब पढ़ेंगे तब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अलग होता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है? और सर वो एल्गोरिदम वगैरह कुछ मतलब इक्वेशन वगैरह रहता है? अरे मेरे दोस्त एल्गोरिदम तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहता है, इधर किधर से आ गया एल्गोरिदम? लॉगरिदम रहता है, लॉगरिथम रहता है। हेलो जी, सर ये सब कुछ क्या हम लोग 11th में पढ़ते हैं?
ओके राइट सर, ये सब तो क्या हम लोग 11th में पढ़ सकते हैं? हाँ कैलकुलस 11th में, बट आप लोगों को 9th में जस्ट एक इंट्रोडक्शन एज अ पार्ट ओके सर मैं दे दूँ, ठीक है? तो ये बेसिक्स था। अब व्हाई टू इवैल्यूएट लिमिट्स, अब हम लोग लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है निकालने की, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अवॉइड करने के लिए, और या दूसरा कि x का कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग निकालते हैं फंक्शन का, टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द ऐसे टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन ऐसे लिख लो, टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन वैल्यू ऑफ x, to find the approximate value of the function at given value of x, right? आ रहा है समझ में? Yes sir. अब जो है, अब ऐसा क्या है भाई, to avoid the indeterminate form, और दूसरा कि functions को approximate value निकालने के लिए, तो दोनों बात एक ही है almost, मैं बताता हूँ कैसे। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अवॉइड करने के लिए तो मैं बताता हूं कि जो इनडिटर्मिनेट, जैसे एक मान लो इसमें लिमिट्स में एक टर्म्स देंगे इसको, इसको क्या बोलते हैं, टेंड्स टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको पढ़ते हैं, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, ठीक है? समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। इसको हम लोग या तो टेंड्स टू बोलते हैं या तो अप्रोचेस टू। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, बहुत मैं सिंपल तरीके से और बहुत सारा चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, इसलिए पहले बता रहा हूँ, वही चीज बताऊंगा कि जो चीज समझ में आ जाए, नहीं तो क्या होगा कि मैं बताऊंगा पूरा और आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गए, तो वही चीज बता रहा हूँ जो आप समझ में आएगा, ठीक है? और बिल्कुल नहीं भी समझ में आया तो चिंता नहीं करनी है, ठीक है? एटलीस्ट आपको तो नाम तो पता चला, अच्छा हम लोग फंक्शन लिमिट्स किसका निकालते हैं, तो फंक्शन का निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अवॉइड करने के लिए या अप्रोक्सीमेट वैल्यू फंक्शंस का निकालने के लिए, और ये भी चीज पता चला कि लिमिट्स जो है कैलकुलस की शुरुआत लिमिट से ही होती है, ये सारी चीज तो पता तो चला कम से कम। yes, हाँ। और ये जो है इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो सिंबल है इसका मतलब टेंड्स टू या अप्रोचेस टू होता है। अब जैसे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है कि मान लो लिमिट ऐसे रहते हैं, क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2। अब जरा ध्यान देना कि टेंड्स टू मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू, टेंड्स टू का मतलब ये नहीं होता है कि इक्वल टू है, टेंड्स टू मतलब जिस जाकर जिस ऐसे होता है ना वो नियर टू इट, ये मैग्नेट ले लो दो, कौन सा लाइक पोल्स का, और ऐसे 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 टच करने का कोशिश कर रहे हो, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन होता है क्या? हाँ, लाइक लाइक पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ। हाँ, लाइक पोल्स नहीं होता है ना, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर, राइट? यस, अनलाइक अट्रैक्ट एंड लाइक रिपेल। हाँ, तो आप लिए हो और कोशिश कर रहे हो, लाइक रिपेल कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, अब इसको टच कराने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे 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 हो रहा है, तो वो पोजीशन को हम लोग, उस तरीके के सिचुएशन को हम लोग टेंड्स टू बोलते हैं या अप्रोचेस टू बोलते हैं, या फिर जैसे मतलब एग्जैक्टली 1-0 नहीं बट ऑलमोस्ट 0 के इक्वल, जैसे टेंड्स टू 0, जैसे अगर मैंने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि लिमिट x इक्वल टू 2 होता है, नहीं, इसका मतलब है या तो 2 से थोड़ा बड़ा या 2 से थोड़ा छोटा, सर जैसे 1.9999, राइट है ना? और ये चीज अब फिर लिमिट्स सारे फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, अब बोलोगे कि कौन से फंक्शन का, तो वो उस साइड में नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि उसमें फिर हमको अलग डायरेक्शन बताना, एक लेफ्ट हैंड लिमिट अलग होता है, फिर राइट हैंड लिमिट अलग होता है, जब दोनों इक्वल होता है तब लिमिट एग्जिस्ट होता है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, 2 माइनस फिर 2 प्लस, 2 से थोड़ा लेफ्ट साइड में, 2 से फिर थोड़ा राइट साइड में, तो फिर उसको समझाने के लिए मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बताना पड़ेगा, समझ में आ रहा है?
तो वो सारी चीज हम उतना ही बता रहे हैं जितना कि समझ में आपको हाय आए। अब आते हैं पॉइंट पे कि अगर मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू है, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स माइनस टू है, राइट। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप जरा एक्स की वैल्यू टू रख के देखो कितना होगा, और 0/0 जीरो बाय जीरो होगा। अब 0/0 क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। यस सर। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम लोग अब इस फंक्शन की लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अवॉइड करने के लिए, या दूसरा इस फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, या यस अब बिकॉज ये लिमिट्स के थ्रू निकाल रहे हैं तो या तो हम इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग या अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हाँ लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं क्योंकि लिमिट्स की मदद से निकालते हैं। अब निकालते कैसे, तो यहां पे मैं बता रहा हूं कि अब क्या हमेशा 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, जी नहीं। टोटल इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो हमको बताया गया है इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या क्या होता है, टोटल सेवन सरप्राइज सेवन वंडर्स बताया गया है इस वर्ल्ड यस में, सर। वैसे ही सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, राइट। और वो होता है 0/0 जिसमें एक आता है, ठीक है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होता है, ठीक है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होता है। अब इसमें ऐसा दिया गया, वैसे कोई नहीं बोल सकते कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, बट कहने का मतलब यही सात फॉर्म में कहीं ना कहीं जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा घूम फिर कर कहीं से भी इसी फॉर्म में आएगा। इसके अरे अलावा सर, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कैसे इंडिटरमिनेट हो सकता है सर? बता रहा है ना, ये थोड़ा सा ना जितना आप सोच रहे ना उससे और ऊपर सोचना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। कोई बोल सकता है ये तो जीरो होनी चाहिए, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वन होना चाहिए, है ना, ये दिमाग में आ रहा होगा। हाँ सर। हाँ, जीरो टू द पावर जीरो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। फिर इसमें तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, वन टू द पावर इनफाइनाइट भी जीरो होनी, सॉरी वन होनी चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा इनफाइनाइट टू द पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू जीरो वन होता है तो इसकी वैल्यू वन होनी चाहिए, है ना। और दूसरा जो होता है जीरो इंटू इनफाइनाइट, ठीक है, ये सात हो गया क्या, यस सर। ये जो है ये जो है सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे इनफाइनाइट के साथ में पंगा नहीं लेने का, क्या नहीं करने का। गाने लेने का हाँ, अगर लग रहा है कि हम बहुत बलवान हैं तो प्लीज, क्योंकि इनफाइनाइट रियल नहीं है, सिंपल बात, इनफाइनाइट हमको पता ही नहीं है कि इनफाइनाइट क्या है, तो हम उसके बारे में जज नहीं करेंगे, तो इसलिए इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अब इसमें अलग-अलग, इसमें कैलकुलस जब लिमिट्स निकालेंगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सैंडविच रूल, सैंडविच जो हम लोग खाते हैं ना। पर लेकिन ये एक नंबर ही है ना सर, और फिर कोई भी नंबर भाई, कोई भी नंबर वही सेम नंबर बिल वन ही बट वो होता रियल नंबर के लिए डिफाइन है। अब बोलोगे कि सर जीरो है। बाई जीरो बाई जीरो तो रियल है, हाँ ये 0/0 रियल है, बट 0/0 के लिए कोई एक वैल्यू नहीं है ना, अब वन भी होगा, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है ना, इसके लिए यस सर। इनफाइनाइट वैल्यू होगा, इसीलिए ये भी इनडिटर्मिनेट। आपको याद है कि 8th के फर्स्ट लेक्चर में जब आप लोग थे तो मैंने बताया था 0/0 को लोग कैसे 20 प्रूफ करके दिखाते हैं, रॉन्ग मेथड और राइट आंसर्स, है ना, और वो बताया था कि कैसे उसमें क्या गलतियां लोग करते हैं। तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब अभी आप लोग को इस स्टेज में 0/0 के ही फॉर्म में करना है, मतलब पढ़ना है, मैं बताऊंगा। अब इस पे वन टू द पावर इनफाइनाइट अगर बताऊंगा तो उसके लिए काफी कुछ जरूरत होता है, तो वो चीज अभी नहीं समझ में आएगा, है ना। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, आप लोग अगर मैं सॉल्व कर दूं बता दो तो समझ सकते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स, ये सारे कैटेगरी अभी भी, तो मोस्टली हम 0/0 के ही फॉर्म पे हम करेंगे।
वन टू द पावर इनफाइनाइट वन क्यों नहीं होगा? फिर अगेन वही बात, इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट हमको पता ही नहीं है कि क्या है ना? है सॉरी क्या आ रहे सर? सारे फॉर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सर, फिर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, इनफाइनाइट प्लस एक्चुअली बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्यों नहीं है। तो एक्चुअली अगर देखो तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इसलिए इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट अगर किया तो एक्चुअली वो एक तरीके से वो इनफाइनाइट ही होता है, क्योंकि जैसे इनफाइनाइट में अगर तुम 10 ऐड करोगे सिंपल तो भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होने वाला है। इनफाइनाइट में अगर तुम 100 ऐड करोगे तो भी इनफाइनाइट ही होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या हो गया यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे जीरो होनी चाहिए, राइट? सर फिर तो अगर वैसे देखा सर तो फिर तो इसमें सर एक्चुअली डिफरेंस आएगा सर, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में किस में क्या डिफरेंस आएगा? सर आपने बोला ना सर कि अगर इनफाइनाइट प्लस 10 किया सर तो इनफाइनाइट आएगा सर, तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट सर ये दो डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं ना? बिल्कुल, अब जरा देखिए बिल्कुल, लेकिन ये हम एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे समझने की कोशिश करो। आप जैसे इनफाइनाइट कैसे है तो एक समुद्र की तरह है, सी की तरह है, ठीक है? यस सर। और जैसे अगर इनफाइनाइट में अगर हमने 10 ऐड किया मान लो तो भी मैंने बोला कि इनफाइनाइट ही होता है, और इनफाइनाइट माइनस 10 किया तो भी इनफाइनाइट ही होता है, करेक्ट? यस सर। अब कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं सर हमने तो बचपन से पढ़ाया गया कि प्लस चिन्ह कुछ तो बढ़ेगा और कुछ तो घटेगा। तो मैंने इसको लॉजिक से समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट इज लाइक अ सी, समुद्र है, और 10 इज लाइक अ, इनफाइनाइट इज लाइक अ सी वाटर और 10 इज लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, अ कप ऑफ वाटर, राइट? Yes, अगर समुद्र की में अगर एक ग्लास तुम पानी ले जाकर डाल ही दोगे तो उस पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? समुद्र से तो नदी तो नहीं बन जाएगा सर। Am I right? और अगर समुद्र से अगर एक ग्लास पानी अगर निकाल ही दिया तो समुद्र सूखा तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं सर। आई मीन ऐड करने का मैंने उल्टा बोला, जब ऐड किया तो समुद्र ही रहेगा, उससे बड़ा कुछ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? जहां पे इतना सारा पानी है उसके पास अगर एक ग्लास पानी ऐड कर दिया तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही अगर एक ग्लास पानी निकाल भी लिए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब ऐसे बोलते हैं ना कि सारी नदियों की पानी समुद्र में आता है, राइट? यस सर। और कितने सारे रिवर्स हैं, अगर एक से थोड़ा कम आया तो एक से एडजस्ट हो जाता होगा। तो वैसे ही इनफाइनाइट तो उस समुद्र है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा? इनफाइनाइट इनफाइनाइट, उससे कुछ मल्टीप्लाई करने में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अब एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये अब एक ही फॉर्म, एक तरीके से देखो तो अगर मान लो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैंने 4 × 2 किया बराबर, yes, sir. ये 8 हो रहा है, yeah. है ना? अब इसी को अगर मुझे डिवीजन की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? 8 को आपको लिखने के सर, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/1/2 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। 4/1/2 इज आल्सो 8? यस सर। है ना? तो कभी कभी क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है, खैर वो तो परमुटेशन कम्बिनेशन में हमने वहां पढ़ा था, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि इनडायरेक्टली ये जो 7 जो फॉर्म दिए गए हैं इस बेसिस पे दिया गया है कि कुछ भी आप कीजिए, जो भी फंक्शंस होगा उसका जो फॉर्म होगा वो हमेशा इन्हीं 7 पे ही आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब 7 फॉर्म के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर।
मतलब इनका आंसर हमेशा सर इन सातों में से कौन सा तो आएगा क्या? आंसर्स नहीं, उसका उनका जो फॉर्म है ना, हाँ फंक्शन, हाँ उसी का हम लोग निकालेंगे, मतलब वहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म को बचाने के लिए, बिकॉज अब जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 4 बाय x माइनस 2, तो इसका फॉर्म कितना आ रहा है 0 बाय 0 राइट। अब इसको आने के लिए, लेकिन हम 0 बाय 0 तो आंसर है नहीं, वो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, समझ में आ रहा है? यस सर, ये फंक्शन है, इसको आप आगे और सॉल्व करना पड़ेगा ना लिमिट्स के यूज नहीं, तो 0/0 तो आंसर नहीं, तो उसका हमको कुछ लिमिटिंग वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमको लिमिट्स निकालने की जरूरत पड़ती है, राइट? समझ में आया? और जैसे आर्य ने पूछा कि सर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट ही होगा क्योंकि ऑलरेडी मतलब बड़ा, ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है, राइट, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? समझ में आ रहा है? यस सर, है ना? तो बहुत सारे मन में आएंगे, जैसे कुछ कुछ लोग पूछते हैं कि जो निगेटिव इन्फिनिटी है और प्लस इन्फिनिटी, जैसे ये हो गया, जैसे लिखा है ना इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, तो ये कुछ लोग बोलेंगे कि क्या ये जीरो होता है क्या? तो नहीं, ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी एक नंबर है ही नहीं, और आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को, जैसे बाकी नंबर जीरो, लाइक 2 - 2 0 होता है, 3 - 3 0 होता है, You can't subtract. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Right. तो ये चीजें सारे आपको याद रखना है, right. और बताओ, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो इसमें? No, sir, not at all. अच्छा, okay. और किसी को कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है, तो सिंपल चीजें यहाँ पे, ये चीजें बहुत सारी, इसका लिमिट्स, ये तो बहुत कुछ हमको पढ़ना है, ये आप लोगों को तो जस्ट एक मैं लिमिट्स का एल बता रहा हूँ। हाँ सर, और सर फंक्शन मतलब लिमिटिंग ना, वो जो हमने 0/0 फंक्शन, नहीं, ये जो है हमने जो निकाला है, ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन से हो गया, और इसका लिमिट्स हम लोग निकालना। जैसे पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा है, तो पॉलिनोमियल्स में एक फंक्शन हुआ करता था, हम लोग पी ऑफ एक्स, तो लीफ जो रहे हो पी ऑफ एक्स, वो क्या है, एक फंक्शन है। यस सर, ओके, आर्यन आपका डाउट्स क्लियर है क्या? पक्का, ये बताओ। यस सर, तो सिंपल चीज याद रखना है कि इन्फिनिटी एक नंबर है नहीं, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, राइट? और कि अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये सारे चीज, क्योंकि इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, सिंपल चीज, इसीलिए उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म के नंबर में रखा गया। कोई बोलता है कि सर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट बेसिकली वो एक तरीके से इनफाइनाइट ही होने वाला है, उसी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑलरेडी बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो ये बेसिकली 7 जो फॉर्म्स रखे गए हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाया गया है, ये इसके अलावा और कोई फॉर्म आ ही नहीं सकता है, और अगर आता भी है कुछ अलग, तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, और इस फॉर्म में किसी एक फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं, उसका लिमिट्स निकालते हैं। ओके, समझ में आ गया क्या बाकी बच्चों को? यस सर। ओके, जस्ट लेट मी क्लोज द डोर, आई थिंक थोड़ा आवाज आ रहा है। ओके, राइट, सो तो सिंपल चीज, ये 7 फॉर्म्स आते हैं, इसीलिए अब इसको बचने का मैं बताऊंगा, बट इसमें सारे अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, अभी बताऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, मोस्टली हम 0/0 का ही फॉर्म आपको एग्जांपल दें।
ठीक है, अब आते हैं किसी एक फॉर्म में, तो हमेशा पहला बात की वैल्यू अब एक्स चेंज टू टू है। फिर ये भी मैं नहीं बताया हूं कि लिमिट्स सारे फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं उसका लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं होता है, और वो कैसे चेक करते हैं कि लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, तो अभी वो साइड में नहीं बता रहा, अभी बस ये बता रहा कि आपको लिमिट्स कैसे निकालना है। ओके यस सर। तो अब आते हैं हम लोग लिमिट्स क्यों निकालते हैं, ये पता चला इनडिटरमिनेट फॉर्म को अवॉइड करने के लिए या टू फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे जैसे ये वाली फंक्शन है x टेंड्स टू 2 है, x की गिवन वैल्यू क्या है 2 है, उस 2 पे आसपास की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। अब क्या करते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं गलती से मान लो, और रास्ता ब्लॉक है, कुछ रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ तो यू नो अनफॉर्चुनेटली किसी की एक्सीडेंट हो गई है, जाम लग गया है, तो हम क्या करते हैं, कोई बाईपास रास्ता निकालते हैं, कुछ अलग रास्ता ढूंढते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. वैसे ही अब ये बच गया बेचारा, यहाँ पे ये फंस गया, क्या फंस गया, लिमिट्स एक्स टेंड्स टू टू, लाली आ जाओ भाई लाली, एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू, ना ना सर, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन भी होगा ना, क्या क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन भी होगा ना, अगर एक्स की अगर वैल्यू वन रखी तो, x की वैल्यू 1 रखी तो क्या होगा सर, ये भी इंडिटरमिनेटिव हो जाएगा। हाँ वही चीज, नहीं लास्ट वाला ही क्वेश्चन मैंने अभी इसको सॉल्व करने वाला हूँ कि लिमिट्स हम निकालते कैसे वो बता, ठीक है। तो अब जैसे x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, तो एग्जैक्ट x की वैल्यू 2 नहीं है, वो टेंड्स टू 2 है बट नेगलिजिबल है, उसी हम वहां पे 2 रख कर चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, संकट ये आ रहा है कि x की वैल्यू 2 रखने पे तो 0/0 आ रहा है, अब बेचारा बूझो परेशान, लिमिट्स वो बूझो 9th में तो सॉल्व किया नहीं है, है ना। तो फिर वो पूछता है अपने दोस्तों से, एक्सिट के जो कोई बच्चे रहते हैं उनसे पूछता है, अरे तुमने लिमिट्स पढ़ा है क्या, तो कुछ कुछ बच्चे रहते हैं जो 7th के भी बच्चे रहते हैं, कुछ 9th के भी रहते हैं, तो बोलते हैं अरे हमने पढ़ा है, आजा आजा मैं तुझे बता देता हूँ, मैं तुझे समझा देता हूँ। तो बोलते हैं कि वो बताते हैं अरे लिमिट देख ऐसे क्यों निकालते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म को अवॉइड करने के लिए फंक्शंस का लिमिट्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो आ मैं तुझे समझाता हूँ। तो बूझो आता है यहाँ पे, पहले दुखी रहता है, तो बोलते हैं देख बाईपास रास्ता निकालना है, 2 रखने पे तो 0/0 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, क्या कर सकता है, तो वो एक्सिट का जो बच्चा था ना 9th का, वो बोलता है चल ट्राई करने में क्या जाता, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को झट से याद आता है, अरे ये तो 7th-8th में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अपनाता है, कुछ बाईपास रास्ता निकालते हैं, यहाँ तो ट्रैफिक जाम हो गया है, इससे कुछ कंफ्यूज हो गया हूँ कौन से रास्ते से जाऊँ कौन से रास्ते से नहीं, भीड़ भाड़ है, चलो कुछ अलग रास्ता निकालते हैं। तो उसने क्या सोचा कि चलो भाई करके तो देखते हैं, x square minus 4 को झट से लिखता है x minus 2 into x plus 2 by x minus 2। अब सोचता अरे 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 इधर x minus 2 तो काट ही सकते हैं, तो बूझे चट से बोलता है क्योंकि बूझे लिमिट्स पढ़ा नहीं रहता है। अब पूछता है अरे यार ये तो 2 minus 2 2 minus 2, आप तो 0/0 को कैंसिल कर रहे हो, बट एक्सीड का वो बच्चा था बेसिक्स पढ़ा हुआ था, उसने बोला भाई x tends to 2 है, इधर x tends to 2 है, x is equal to 2 थोड़ी ना है, हम तो काट ही सकते हैं, x tends to 2 है मतलब 1.99 है, 1.9 जीरो जीरो को हम कैंसिल थोड़ी कर रहे हैं, मतलब अच्छा ऐसा बात है, तब तो हम काट ही सकते हैं। अब उसने क्या किया, बूझो को समझ में आ गया, तो लिमिट x tends to 2, अब क्या बच गया x plus 2, अब बोलता है बूझो जो एक्सीड का जो बच्चा था वो बोलता है बूझो अब रख वैल्यू रख, तुझे रखना है ना x tends to 2, तो बुझो रख लेता है भाई ये तो 2 plus 2, ओ ये तो 4 आ गया लिमिटिंग वैल्यू, अब वो मुस्कुरा देता है और बहुत खुश हो जाता है, राइट। तो लिमिट जो है, फिर वो पूछता है उसके मन में फिर कंफ्यूजन, आपने जब x की वैल्यू 2 होता नहीं है, दिस इज नॉट
एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, देन व्हाई यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सिड का बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट था, थोड़ा क्या, सारे बच्चे तेज होते हैं, तो उसने बोला कि भाई मान लो एक्स चेंज टू टू का मतलब क्या हुआ। तो बुजो बोलता है मान लीजिए 1.9999 है, तो ठीक है तू 1.99 रख ले, तो 1.999 रखता है। तो फिर वो पूछता है एक्सिड का बच्चा, अच्छा 1.999 प्लस टू कितना हुआ, तो बोलता है 3.99999। तो 3.9999 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, तो मुझे बोलता है अच्छा तो इससे बढ़िया शुरू में टू रख देते हैं ना, राइट। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। तो ये फैक्टराइज करके किया हमने, कभी कभी कुछ होगा कि रेशनलाइज भी करना पड़ेगा, हमने 9th में रेशनलाइज किया था, नहीं रेशनलाइज होता मतलब रेशनलाइजेशन पढ़ा है ना 9th में आपने शुरू में, रेशनलाइजेशन जैसे 1 बाई एक्स माइनस अंडर रूट 2, तो फिर x प्लस अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। ओ अच्छा सर, वो क्या थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, समझ आती है ठीक से। ओके सो इस तरीके से हमको बाई, हम आपको अभी बस वही बता रहे हैं कि जिसका लिमिट्स आप निकाल पाओ, सिंपल। मतलब वो कितना प्यारा है, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो यहाँ कट से करना है, जीरो बाई जीरो को बचाया ना हमने, यहाँ पे फोर आ गया तो फोर जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया, बस। भूजो खुश हम खुश, भूजो खुश हो गया, बोला वाह, तो तालियां बजाता है ऐसे। समझ में आया क्या बाकी बच्चों के, या मुझे ही सिर्फ मैंने ही बोला और मुझे ही समझा? यस सर समझ में आ गया, समझ में आया था, है ना। अरे डायलॉग फॉर्म में बताया, जैसे ड्रामा होता है दो बच्चे बातचीत करते हैं वैसे बताया मैंने। सारे बच्चों को समझ में आया क्या ये संस्कृति, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत? यस सर, इतना नहीं समझा। इसमें अभी क्वेश्चन देंगे तो समझ में आएगा, एटलीस्ट आप अगर जितना बता रहे हो अगर 50% भी समझ में आ रहा है, 60% तो समझना बहुत अच्छा। सर आप ये स्लाइड वापस एक बार ब्रीफली सिखा सकते हो क्या? उसी समय से तो इसी के बारे में तो बता रहा हूँ, अब इसमें क्या बताऊं, आप नहीं थे क्या लाइव इधर यहाँ पे? सर वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है आजकल, पता नहीं वो बीच में से मतलब एक दो मिनट गया था आवाज। ओके तो एक बार मैं जस्ट क्विक समरी लूंगा इसका। मैंने बताया कि लिमिट्स किसका निकालते हैं, तो फंक्शंस का लिमिट्स निकालते हैं। लिमिट्स क्यों निकालते हैं, तो इनडिटरमिनेट्स हमको अवॉइड करने के लिए निकालते हैं, या किसी फंक्शंस का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम निकालते हैं, है ना। मैं फिर ये भी बताया कि ये जो मीनिंग है टेंस टू, इसका मतलब होता है टेंस टू या अप्रोचेस टू, इसको पढ़ने का तरीका होता है। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू टू, तो ज्यादा प्रचलित ज्यादा फेमस टेंस टू है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो अगर आपने 2 रखा ऊपर नीचे तो ये 0 बाय 0 हो रहा है, अब 0 बाय 0 तो कोई वैल्यू है नहीं। तो और फिर मैंने डिस्कस किया था कि ये 7 टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 7 रूप होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के, 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर 0, 0 इनटू इनफाइनाइट, राइट। अब किसी के मन में ये भी आएगा कि सर 0 इनटू इनफाइनाइट तो 0 ही होनी चाहिए। मेरे दोस्त मेरे स्टूडेंट्स, मैंने ये बताया कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट हमको पता ही नहीं है कि इनफाइनाइट है क्या, उसे पंगा क्यों करने का, छोड़ देगा उसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म। Infinite to the power zero, infinite is not real. We do not know who is infinite or क्या है infinite, हम उसको पकड़ ही नहीं सकते। What is infinite? Right. One to the power infinite, बिल्कुल वो भी one नहीं होगा, क्योंकि one to the power infinite वो भी one नहीं होने वाला है, क्योंकि infinite मुझे पता नहीं infinite है। Okay, so this is 7 types of indeterminate form. फिर मैंने discuss ये भी किया कि जो लिमिट्स जो हम लोग निकालते हैं, सारे फंक्शंस का लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब लिमिट्स कौन से फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, तो उस साइड अभी मैं नहीं जा रहा हूं, बिकॉज आप लोग 9th में हैं, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होता है, फिर एग्जिस्ट अगर दोनों इक्वल होता है तो फिर लिमिट्स एग्जिस्ट करता है, तो इससे बहुत बड़ी ब्रांच है।
लिमिट समझ में आएगा तो फिर कंटिन्यूटी होता है, इलेवेंथ में वो समझ में आएगा, कंटिन्यूटी समझ में आएगा तो फिर डिफरेंशिएशन होता है वो समझ में आएगा, डिफरेंशिएशन समझ में आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस डेरिवेटिव समझ में आएगा, वो समझ में आएगा तो इंटीग्रेशन समझ में आएगा, इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें। कहने का मतलब ये ए बी सी है कैलकुलस, ठीक है। तो अगर आपको 50-60% भी समझ में आ रहा है तो इट्स टू गुड, राइट। तो अपने आप को डू नॉट अंडर एस्टिमेट, राइट, द कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड नाइन्थ स्टूडेंट्स। यस सर, ठीक है। चलिए ठीक है, तनिष समझ में आ रहा है? मैंने इस पे काफी सारी चीजें बोला हमने, समझ में आ रहा है क्या ये बताओ? यस ओके। अब इसके बारे में मैंने, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद एक एग्जांपल दिया हमको हमने कि लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर माइनस 4 बाय x माइनस 2 का हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका लिमिट्स कैसे? अभी बेचारा 0/0 हो गया है ना, क्या करे है ना, बूझो सर पकड़ के बैठ गया। तो मैंने बस जैसे बताया कि एक्सिट के बच्चे ने हेल्प किया उसको कि चल आजा रास्ता मैं तुमको दिखाता हूँ। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू उसको फैक्टराइज किया उसने, तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस टू। अच्छा, फिर एक्स माइनस टू को कैंसिल किया। फिर बूझो का वहां पे क्वेश्चन आया कि भाई तनिष आपने क्यों काटा इसको, एक्स माइनस टू को क्यों काटा, ये तो 2-2 0 होता है, 2-2 0 होता है ना, आपने तो 0-0 को कैंसिल किया। फिर तनिष ने झट से आंसर दिया, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। तो वहां पे बोला कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स टेंड्स टू 2 है, वो जस्ट 2 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 तो होगा नहीं, तो ये हम काट सकते हैं। फिर एक्स प्लस 2, और फिर यहाँ पे देख लिया वैल्यू मन में रख के, अरे ये तो 4 आ रहा है, मजा आ गया, आंसर 4 आ गया। इसकी लिमिटिंग जो वैल्यू होती है 4। क्लियर हुआ क्या ये बताओ? ये बताइए क्लियर है क्या? यस सर। ओके, अब कुछ कुछ डायरेक्ट सब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि आप उसका वैल्यू रखो, डायरेक्ट आंसर आएगा। उसीलिए मैं बोला कि पहले चेक कर लिया करो। जैसे एक क्वेश्चन है, मुझे बोलता है कि सर एक क्वेश्चन दे दो यार, है ना, तो वो क्वेश्चन दिया जाता है। क्या क्वेश्चन है बुझो है, तो थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। लिमिट खुश करनी थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, सॉरी एक्स टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 11 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका पहले फॉर्म चेक करो, वैल्यू चेक करो, डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है, डायरेक्ट वैल्यू रखने पे वही आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। बताओ इसका आंसर कितना होगा? सर क्या करना है सर, इसके अंदर लिमिट्स निकालना है। और है सर 4 4। अरे क्या क्या बात है भाई, अपना यश अद्भुत समझ में आ रहा है कि आपको अमोग आदित्य अने सर मेंटली कर दिया। हाँ क्या बात है यश। वेदांत तनिष श्रुति संस्कृति प्रयाग नील ईशान अवधूत अमोघ अनय यश शर्वरी आर्यन। यस सर। यस सर। यस यस सर। इसको लिख लिया जाए तब ये डायरेक्ट वैल्यू रखने पे ही आ जा रहा है ना। अब ये क्या हो गया, मैंने बोला ना कि हाउ टू इवेल्युएट लिमिट्स, अब इसका आंसर ये प्रैक्टिस से ही है। ये क्या है, फैक्टराइज किया, तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। सर इसको इसके अंदर क्या डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहते हैं? पहले हर क्वेश्चन में ही चेक करना है, कहीं आ जाए गलती से डायरेक्ट, तो देखो 0/0 तो इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म तो आ नहीं रहा होगा इसमें। यस तो देखो इसको सॉल्व, जब तक आंसर नहीं आ जाए
तब तक ये लिमिट है, इससे लिखते लिखते रहना, लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बस ये लिमिट नहीं लिखना है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 3 3a स्क्वायर प्लस 11 बाई 3a स्क्वायर माइनस 4, अब वैल्यू 9 प्लस 11 9 माइनस 4। सर तो फिर अगर सर पहले से अगर सर वैल्यू आ रहा है ना सर, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ बस वैल्यू रखना है बस, यही 4 इसका लिमिटिंग वैल्यू है। Got it, sir. तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से आ रहा है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल दिए। दिस इज द आंसर ऑफ हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट्स, है ना, जो हमने किया था उधर फर्स्ट पेज पे। आया क्या समझ में बाकी सारे बच्चों को? यस सर। अच्छा तो एक फॉर्मूला भी मैं बताऊं क्या, मजा आ जाएगा। उस फॉर्मूले का प्रूफ नहीं दूंगा क्योंकि उसका प्रूफ डेरिवेशन नहीं समझेगा, वो बाइनोमियल थ्योरम में 11th में मैं प्रूफ देता हूं। तो जस्ट एक ही बहुत सारे लिमिट्स के फॉर्मूले हैं, बट एक बताऊंगा जो आप सीख सकते हैं आराम से, इजिली कर सकते हैं, है ना। ओके सर। ये फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्म में रहता है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a है, इसका लिमिट्स डायरेक्ट हो जाता है n a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है सर। एक सेकंड सर लिखने दीजिए सर। और n जो है कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन इंटीजर्स कुछ भी चलेगा, ठीक है बस फ्रैक्शन। सर इसका कुछ नाम है क्या? नहीं नाम नहीं है इसका कुछ। ओके सर। बस ए जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, ये ध्यान में रहे, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, पर यहाँ पे हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है सर। ये मतलब समझा नहीं सर ये वाला फॉर्मूला। समझना भी कुछ है ही नहीं, बस लिख लो अपना क्वेश्चन, समझाऊंगा तो समझ। और फिर केवल वैल्यू थी सब्स्टिट्यूट करनी है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हो गया, ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्म में रहता है लिमिट x टेंड्स टू x रेस टू n माइनस a रेस टू n बाय x माइनस a, तो हो जाता है n a टू द पावर n माइनस 1। जस्ट कमिंग इन 1 मिनट इसको ले।
ओके हो गया डन। इसमें बताओ और किसी को कुछ पूछना है तो? नो डाउट सर। आप लोग के लिए बुक्स लाने गया था एक्चुअली, कुछ आप लोग लाइक क्वेश्चंस कुछ तो जस्ट सर हमारे बुक के अंदर है सर। हाँ नहीं तो उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन दे सकते हैं, पूरा नहीं है ना उसमें भी सर। मैंने देखा सर हमारे आपने जितना पढ़ा है ना परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वो पूरा है सर बुक के अंदर। हाँ उसमें कुछ कुछ हाँ ऑलमोस्ट है ना, तो उसमें ऑलमोस्ट देखो जितना आपको समझ में आएगा उतना मैंने समझा दिया है। कुछ क्वेश्चन एक्सिट बुक से भी मैंने दिया था आपको लास्ट क्लास में, आई थिंक बुक से ही दिया था मैंने। हाँ सर हाँ मजा आएगा, चिंता मत करो यार है ना। यस सर खुश रहो पढ़ते रहो बस मजा आने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू x रे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a जो होता है n a टू द पावर n माइनस 1 होता है। हमारे यश पूछ रहे थे कि सर ये फार्मूला समझ में नहीं आया, बिल्कुल वो उसमें देखो वो फार्मूला है, अगर उसमें उसका एग्जांपल भी दूंगा, एग्जांपल जब दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा बोलने का मतलब क्या था। ठीक है समझ में आया यश? यस सर यस। हाँ सर आप मतलब आप समझाओगे ना? बिल्कुल नहीं तो पहले फॉर्मूला को तो समझ लो कि कम से कम ये याद रखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू x टू द पावर n माइनस a टू द पावर, ये फॉर्मूला बहुत सारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में होता है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक का फॉर्मूला होता है, तो वो सारी चीज अभी मैं बताऊंगा नहीं, अभी समझेगा भी नहीं, तो जो मुझे याद है कि अच्छा चलो ये तो फॉर्मूला जो सिंपल है इसको बता दे। फिर भी इतना पहले मैं इतना क्वेश्चन दे दूंगा ना आपको तो फिर भी कम ही लगेगा। ओके कैन वी गो अहेड, आर यू रेडी विद द क्वेश्चन? यस सर। ओके बाकी बच्चे की आवाज ही नहीं आ रही है भाई। यस सर। ओके राइट सो यस सर अब चलते ये फॉर्मूला को सारे सारे स्टूडेंट ने लिख लिया सभी ने? Yes, indeed, sir. Everyone write this formula. Yes, sir. We wrote this formula. Chalo. So, ab next variety ka questions. Hum dekhte hain. Ye dekhte hain kitne log thoda laga. Dekho, limit x tends to 4. Pehle form check karna hai, hai na? पहले मन मेंटली है ना साइड में अगर हो रहा है तो नहीं तो फिर यानी अब x स्क्वायर माइनस 2x आपको मोस्टली ज्यादा ज्यादा डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दूंगा, या तो फैक्टराइज करो ऊपर नीचे या फिर रेशनलाइज करो। तो रेशनलाइज जब करो तो आपको दिख जाएगा कुछ तो रूट टाइप में कुछ दिख जाएगा, मतलब समझ जाना उसको रेशनलाइज। सर मुझे सर रेशनलाइजेशन ना सर याद नहीं है सर। कोई बात नहीं मैं बता दूंगा, पहले तो ये तो कर लो, मैं बता दूंगा एक बार क्वेश्चन। So please try to solve this question. देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर हाँ अवधूत 0/0 आ रहा है बहुत ही सही, तो मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। अब इसका लिमिट्स निकालो, कुछ दिमाग लगा के कैसे कर सकते हैं। हिंट है कि ऊपर नीचे फैक्टराइज कीजिए है ना, बस 0/0 को कट मारना है।
कट मारना है. ओके सर. कट मारना है मतलब कैंसिल नहीं करना है, मतलब बाईपास रास्ता निकालना है, अवॉइड करना है उसको. ठीक है. अब जरा इसका फॉर्म अगर हम चेक करते हैं तो देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 जीरो, और इधर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 8, और ये भी 0 बाई 0 हो रहा है. तो क्या तरीका क्या है? तो जितना हो रहा है हमारे हाथ में हम उसको कर लेंगे. आर्यन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है. अब क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 4, जितना x स्क्वायर माइनस 16 है तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे हम लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस, राइट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को आपने पढ़ा है 8th में, स्प्लिटिंग द मेरिट टर्म, उसको फैक्टराइज करना है ना. तो ये देखो ऐसे होता था ना, 8 को इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि ऐड या सेपरेट करने से 2 है और मल्टीप्लाई करने से 8 है. देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, लिमिट्स अंत तक देना है जब तक वैल्यू नहीं सब्सटीट्यूट हो जाए. बहुत ही बढ़िया अवधूत, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट ग्रेट परफेक्ट. उसको बस रिड्यूस कर दो, लोएस्ट टर्म में कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 4 x माइनस 4 राइट इनटू x प्लस 4 बाय, इसमें x कॉमन लोगे आप यहां पे 2 कॉमन लोगे राइट. यस. अब जो है लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 4 इंटू x प्लस 4 बाय, ये कितना होगा x माइनस 4 कॉमन लिया हमने, और नीचे कितना बच जाएगा x प्लस 2 प्लस 2. अब कितने मजे की बात है, ये खत्म. अब जो बच गया लिमिट x टेंड्स टू 4 x प्लस 4 बाई x प्लस 2, अब डायरेक्ट वैल्यू रख दो, 4 प्लस 4 बाई 4 प्लस 2, मतलब क्या आ गया 8/6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, so 4 by 3 is the correct answer. Did everyone get it? समझ में आया क्या? आसान था ना, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट तो नहीं था, है ना? Yes sir. इसको लिख लें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे. सर लिख लिया सर. ओके ओके. बाकी सर मैं अभी लिख रहा हूँ. ठीक है ठीक है, लिख लो. सर ऐसा ही ना सर, एक और क्वेश्चन दीजिए सर. यस सर. हाँ देने वाला सर. आया नहीं ये, बहुत ट्राई किया बट इसमें क्या था, इसमें तो फैक्टराइज ही तो बस करना था. हाँ सर लेकिन वही सर भूल गया सर. वो तो याद होनी ही चाहिए. हाँ सर.
सर हो गया सर। सर एक मिनट एक मिनट। ओके ओके ओके। हो गया सर। हो गया चलो नेक्स्ट जरा देखते हैं कितने लोग ट्राई कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखो लिमिट्स लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स बताइए। सर हम लोग हेलो हाँ अरे बोलो ना सर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या x square minus 3x को x बाहर निकाल के x minus 3 क्या क्या फिर से एक बार बोलो x square minus 3x को क्या सर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या x को बाहर निकाल के सर x माइनस थ्री ब्रैकेट लिख सकते हैं बट उसका फायदा क्या है क्या देखो अगर लिख सकते हो है ना। ओके सर नहीं ना थोड़ा गलत हो गया आर्यन। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स ट्राई टू सॉल्व वंस अगेन। सर करेक्ट है क्या एक मिनट देख लेता हूँ। प्रयाग सही है अवधूत सही है बहुत ही बढ़िया और यश भी सही है तीनों का सही धन्यवाद सर। सर मेरा फर्स्ट है। हाँ सही है सही है परफेक्ट परफेक्ट।
सर सर हेलो हाँ रेन बोलो ना सर मेरा नीचे वाला फैक्टराइज हो रहा है सर लेकिन ऊपर का नहीं पता चला सर क्या हो करना करो 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 ऊपर वगैरह ही होता है तो इन लोग का तो आया है ना आपका भी होना चाहिए सो लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 तो अगर फॉर्म चेक करते हो तो देखो 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 6 ऊपर में तो 0 आ रहा है नीचे में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0 0 बाय 0 यानी सिंपल यहां भी क्या करना है आपको फैक्टराइज ही करना है राइट सो लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 by x square plus x minus 6 right इसको हम लोग क्या कर सकते हैं limit x tends to 2 यहाँ पे x square 3x को minus 2x minus x plus हाँ देना भी सही है हाँ अच्छा right और इसको x square plus 3x है ना x 3 टू जा 6 3x माइनस 2x अगर लिखा हमने इस तरीके से राइट तो अब फैक्टराइज कर ले पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x कॉमन 1 x माइनस 2 बाय x इधर से बाय इधर से माइनस 2 कॉमन x plus 3 limit x tends to 2 यहां से x minus 2 कॉमन ले लेते हैं into x minus 1 by x plus 3 into x minus 2 ये खत्म अब जो बचता है limit x tends to 2 x minus 1 upon x plus 3 x plus 3 2 minus 1 by 2 plus 2 plus 3 the 1 by 5 1 by 5 yes sir answer ठीक है इसको लिख लें और कुछ डाउट है तो आप पूछिए प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट पास तो एक तरीके से देखिए तो हमारा पूरा पोर्शन फिनिश हो चुका है बट नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम थोड़ा लिमिट्स का ही करेंगे और आज इतना हो रहा है ठीक है और फिर उसके बाद देखते हैं जो कुछ आप बोलेंगे वो करेंगे एक फॉर्मूला लिखा था वी नीड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए x raised to n minus a raised to n by x minus a ये होता है n a to the power n minus a ठीक है तो इसी फॉर्म में है अब कोई बोलेगा सर लिमिट x tends to 1 x raised to 1 का पावर 3 भी तो लिख ही सकते हो ना 1 का पावर 3 1 ही होता है अब उस फॉर्म में आ गया तो n की वैल्यू a 3 है n a टू दी पावर n माइनस 1 बस सर एक सेकंड सर मैं अंडरलाइन कर लेता हूं सर और इंपॉर्टेंट चीज अगर मान लो फार्मूला याद भी नहीं रहता है तो भी मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं पता है कैसे यस सर सर थोड़ा सोचते दीजिए सर अल्टरनेटिव मेथड मैंने 8th में AQ minus BQ का फॉर्मूला बताया था याद नहीं है A minus B into A square plus AB plus B square यहाँ पे कलरफुल पेन से लिख देता हूँ ओ सर x minus 1 कैंसिल got it A minus B बट हालांकि फॉर्मूला भी था तो A minus B
और अगर ए क्यू प्लस बी क्यू सर मैंने फॉर्मूले से क्या डायरेक्ट क्या बात है बहुत ही सुंदर फिर ये खत्म और तो यहाँ से भी आ गया वन स्क्वायर प्लस वन मुझे थ्री आंसर समझा क्या यस सर ओके सर हाँ जी बताओ सर एक लास्ट क्वेश्चन सर लास्ट क्वेश्चन ट्विस्ट करके दो क्या ठीक हाँ, है सर सर लेकिन सर उसका ना केवल ये बता दीजिएगा सर क्या बोलते हैं सर वो ये जब फॉर्मूला होता है ना सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वैसे क्योंकि वो सर अभी सर याद नहीं है सर ओके ओके चलेगा तो एक थोड़ा घुमा कर देता हूँ घुमा कर नॉट इट सर चलेगा क्या यस सर बट इजी मजा आ जाएगा नहीं भी सॉल्व होगा तो भी मजा आएगा जब मैं सॉल्व करूंगा तो मजा आएगा लिखो सर एक मिनट देख सकते हो क्या एक मिनट कुछ लगा लो एक मिनट या फिर उससे भी कम एक मिनट आप ना नेक्स्ट क्लास में सर वो क्वेश्चन नंबर्स का लेने वाले थे ना वो नंबर फन विद नंबर्स ऐसा क्वेश्चन अच्छा चाहिए तो ले लूंगा आप ट्रिक या इसी पे थोड़ा और एक लेक्चर और ले लूंगा मतलब रेशनलाइजेशन वाले पे हुआ नहीं है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है रेशनलाइजेशन पे भी क्वेश्चन इज ओके सर लिमिट एक्सटेंड्स टू हाफ 8x³ - 1/16x⁴ - 1 ट्राई करो देखते हैं इजी है यार सभी नहीं कि डिफिकल्ट है बट आपको फैक्टराइजेशन पे थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा बताइए सर मैं ट्राई कर रहा हूँ सर लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ 8x³ - 1/16x⁴ - 1 राइट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें राइट तो देखो लिमिट इसका फॉर्म अगर चेक किया हमने तो ये भी जीरो तो ऊपर का जीरो है ये भी जीरो बाई जीरो होगा है ना एक्स की वैल्यू हाफ रखकर देखिए ये भी क्या होगा जीरो बाई जीरो होगा ठीक है लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ अब 8x³ - 1 तो ये क्या हो सकता है 2x³ - 1 का क्यूब राइट और इसको क्या लिख सकता हूँ देखो 2x जो है ऐसे हम इसको ऐसे पहले लिखते हैं आई कैन राइट लाइक दिस a² - b² बराबर अब ये जो होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ a³ - b³ क्या होता है a - b राइट इंटू a² + ab + b² राइट बाय ये क्या होगा a + b इंटू a - b ठीक है यस सर अब आगे लिमिट x टेंड्स टू हाफ 2x - 1 को एज इट इज 4x² + 2x + 1 बाय 4x² + 1 4x² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2x² - 1² ऐसे फिर इसको भी एक बार ब्रेक कर देना होगा लिमिट x टेंड्स टू हाफ 2x - 1 फोर एक्स स्क्वायर प्लस
2x plus 1 by 4x square plus 1. This can be written as a square minus b square. So a plus b into a minus b, right? 2x plus 1. Yes. 2x minus 1. 2x minus 1. 2x minus 1. Yes, sir. Last step. इस क्वेश्चन को मात्र दो स्टूडेंट्स ने कर पाया, संस्कृति और प्रयाग, राइट? सो यस सर, 4 इनटू 1 बाय 4 यस इन प्लस 2 इनटू 1 बाय 2 प्लस 1 राइट। अब इस पे क्या करना है, बस वैल्यू रख देना है यहां। हां सर, 4 इनटू हाफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 टू 2 खत्म। यहाँ पे देखो ऊपर में 3 आ जाएगा और नीचे में 2 आ जाएगा, 3 इंटू 2 बाय 2 यस 3 बाय 2 आंसर हो जाएगा। इसमें भी जस्ट आपको फैक्टराइज करना था और सॉल्व करना था। सर मेरा 3/4 आंसर आ रहा है। नहीं वो गलत है फिर आपका। ओके सर, 3/2 जो होगा वो करेक्ट आंसर है। समझ में आया क्या सारे बच्चों को? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। क्या ये सारे इश्यूज क्लियर है? यस सर। ओके सो प्लीज मेक, यस सर। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चंस, राइट? इस पे कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया है तो आप लिख सकते हैं, और लिख भी लिए हैं तो आप लिख कर सकते हैं। So, yes, sir. Those who have not written, I will wait. आप लिख कर ही जाए, कुछ डाउट है तो आप पूछ लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।